चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और उनके आंसर बताए जा रहे हैं। ये आपकी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और यहाँ वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उनके विस्तार से आंसर बताए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि अगर आप 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं तो आप 500 तरह के कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। और मेरा वनडे एग्जाम का कहने का मतलब ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी परीक्षा में आपके पूछे जाएं, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर चाहे आप देखते हैं व्यापम हो जाता है एमपी में, यूपी में आप टीईटी, शिक्षक भर्ती, जो भी हो, एसआई, पुलिस, आप अगर यूपी पीसीएस में भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आता है तो उनके लिए भी ये आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके अभी तक 9 क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 9 टेस्ट आपके, ये 10वां टेस्ट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। याद रखिए, कई लोगों का कहना है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि जो बेल आइकन है इसे प्रेस जरूर कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास हर वीडियो का, यानी कि जो भी हर क्लास आती है आपकी, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहता है। वैसे भी आप याद रखिए कि सुबह के टाइम आपका सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट आ रहा है, उसमें भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए जाते हैं। और शाम को आप देखते हैं कि आता है आपका वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो ये सॉल्व करते रहिए आप लोग। परीक्षाएं आपकी आ ही रही है आप लोग, ठीक है, आने वाली है, तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सर्वप्रथम किस किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची, इसमें पूछ रहा है सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची। तो ये थे आपके काशी प्रसाद घोष। कौन थे? काशी प्रसाद घोष। इन्होंने, काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी थी द शायर। अन्य कविताओं को 1830 में प्रकाशित भी की गई थी। ठीक है, तो याद रखना काशी प्रसाद घोष को। क्वेश्चन हमारा दूसरा, अगला क्वेश्चन क्या है। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको समझ रहा है, सिविल सर्विस में भी इस तरह के क्वेश्चंस घुमाने वाले पूछ लेते हैं कई बार। असत्य पूछ रहा है, यानी कि सत्य नहीं पूछ रहा है, एक बात यार याद रखिए। तो इसमें असत्य क्या होगा? वे साम्राज्य के बिना सम्राट थे, ये सही बात है। वे बिना युद्ध अनुभव के योद्धा थे, ये भी बिल्कुल सही है। हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, ये भी सही है। 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ, ये आपका गलत हुआ। ए गलत है। ठीक है, चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? फतेह चंद को जगत उपाधि की सब उपाधि की किसने दी थी उपाधि? ये दी थी मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। डी ऑप्शन सही है। फतेह चंद मानिक चंद के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने मुगल सम्राट फरूख सीयर से सेठ की उपाधि हासिल की, और मुगल सम्राट मोहम्मद सेठ ने उन्हें सेठ या फिर जगत सेठ की उपाधि भी दी हुई थी। तो इसमें आप डी ऑप्शन सही देखेंगे। क्या देखेंगे? सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन सही देखेंगे इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने? 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक द हिंद स्वराज या हिंद स्वराज की किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपकी गुजराती भाषा में। किसमें? गुजराती भाषा में। और इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश भी डाला था। ठीक है, 1909 में। कई बार पूछ लिया गया कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो आप कह सकते हैं महात्मा गांधी, आराम से। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? इसमें सुमंत देखते हैं, मजूमदार भी देखते हैं, वकी वकिया ना विष भी देखते हैं, लेकिन वकील को नहीं देखेंगे आप लोग।
तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? डी ऑप्शन। अष्टप्रधान में आप देखेंगे शिवाजी के समय प्रधानमंत्री होता था, अमात्य होता था, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राय, पंडित राव, ये सभी शामिल हुआ करते थे इनके अष्टप्रधानों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि चौथ एक कर हुआ करता था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था आय स्रोतों में वृद्धि करना, यानी कि आप अपनी आय में वृद्धि करना। शिवाजी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से सरदेशमुखी और चौथ एकत्रित किया करते थे। चौथ किस राज्य की? किसी राज्य की कुल राजस्व का एक चौथा हिस्सा, जबकि सरदेशमुखी कुल आय का दसवां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, शिवाजी के समय, याद रखना है आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1668 में। कब? 1668 में। ए डी ऑप्शन सही है, 21 सितंबर 1668 में रॉयल चार्टर अधिनियम के द्वारा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड की वार्षिक शुल्क पर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अकबर ने गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने की प्रयास की किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था अकबर से? तो ये था जॉन मिल्टन हॉल, जॉन मिल्टन हॉल, ये अंग्रेजी यात्री थे। वह आपका देखा होगा आपने कि अकबर के काल शासनकाल में भारत आता है, अकबर के समय भारत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे? डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा के किस स्थान पर बसे? तो ये देखा होगा आपने कि ये था पिपली। क्या था? पिपली, सी ऑप्शन सही है। डच सबसे पहले अंग्रेज उड़ीसा के पिपली में बसे, उसके पश्चात तो उन्होंने बालासोर के लिए पिपली को छोड़ भी दिया था, उन्होंने उसके बाद बालासोर में डेरा डाला। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला क्या है, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए? किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए? तो ये था इलाहाबाद। क्या था? इलाहाबाद। ये संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को होती है, और यह बक्सर बक्सर की लड़ाई का परिणाम थी। बक्सर में आपने देखा है कि हार के बाद इस तरह की संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के द्वारा आपने देखा है अंग्रेजों को बंगाल मिल गया था, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गए थे इसके बाद। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बात और याद रखिए, आपका विस्तार से जीएस जितना भी है, फिर चाहे आपका लूसेंट को देख लीजिए, या फिर किरण सामान्य ज्ञान बुक्स को देख लीजिए, या फिर आप देखिए कि आपको और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है तो एनसीईआरटी, ये सभी सभी कवर करवा दी गई है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग किरण सामान्य ज्ञान को बुक्स को फॉलो करिए, अगर आपके पास व्यवस्था है तो उसे खरीद लीजिए, आप लोग कहीं में भी मिल जाएगा आपके आसपास, और उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सके उन्हें लगाइए। वैसे भी किरण सामन्वय ज्ञान बुक्स आपकी कवर भी की हुई है हमने, तो प्लेलिस्ट सूची में जाइए, वहाँ देखिए अच्छे से और पढ़ते रहिए, इतना आपके लिए वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से सॉल्व करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा ये, अली नगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? अली नगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो ये आपने देखा होगा कि फरवरी, ये कब किए गए? फरवरी 1757 में, फरवरी 1757 में 9 फरवरी को किया गया था। अलीगढ़ की संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के जारी करने का अधिकार दिया गया, और यह संधि प्लासी का की लड़ाई का परिणाम थी। बक्सर का युद्ध आप जानते हैं कि 1664 के करीब लड़ा गया, और ये आपका 1757 के करीब। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला क्या है, ए ओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ओ
ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए डब्ल्यू वेडरबर्न। याद रखिए, आप जानते हैं कि सर विलियम वेडरबर्न एक भारतीय कारगर सिविल सेवक थी और इन्होंने 1912 में कांग्रेस के अध्यक्ष संस्थापक जो रहे ए ओ ह्यूम, इसकी जीवनी लिखी थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक माने जाते ए ओ ह्यूम, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हमारा अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप भी जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष भी कहते हैं और भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। आप जानते हैं कि अगर ऐसा कहा जाता है, देखिए, कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हमारा भारत एक ना होता, एक राष्ट्र में ना बना होता, क्योंकि आप जान रहे थे हमारे यहाँ कई तरह की रियासतें थीं, कई रियासतें हमें मिलने के लिए तैयार नहीं थी आज़ादी के बाद, तो ये सभी काम मिलाने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लोहे पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। इससे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, यानी या फिर पूछ लेगा कि भारत का लोहे पुरुष कौन थे, तो सरदार पटेल साहब। वे सही सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के विचार के समर्थक थे। उन्होंने गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया था, जिस कारण आपने देखा होगा कि 1940 में जेल भी होती है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल भी भेज दिया जाता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया? भारत की अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया? 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम विधेयक भारतीय परिषद 1835 का हिस्सा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिक्षा के लिए कुछ फंड वितरित करने का निश्चित भी किया था। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा को निश्चित किया। याद रखिए, अंग्रेज आए तो बहुत कुछ हमें मिला भी, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो हम लोग बटे रहते थे अलग अलग क्षेत्रवाद में, ये अंग्रेजों के आने के बाद ही हम लोग एक हुए। अंग्रेजी के माध्यम से हम लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि आप जानते थे कि दक्षिण भारत में अलग भाषा थी और उत्तर भारत में अलग थी, पूर्वी भारत में अलग थी, पश्चिम भारत में अलग देखेंगे आप लोग, तो अंग्रेजी ऐसी है कि फिर चाहे उत्तर भारत में बोली जाती हो या दक्षिण भारत में, एक ही है। अगर आप उत्तर भारत में अंग्रेजी सीखते हैं तो वही अंग्रेजी आपकी दक्षिण भारत में भी काम करेगी, ऐसा नहीं कि बदल जाए। तो इसका आपने देखा कि कोई दक्षिण भारत गया या फिर कोई उत्तर भारत आया दक्षिण भारत से, तो इनमें मिल मिलाव हुआ, इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि भारत का राष्ट्रवाद, अभी तो आप देख सकते हैं वहाँ बड़े विस्तार से बताया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? अब्दुल लतीफ को। 19वीं सदी के दौरान नवाब अब्दुल लतीफ खान मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण भी रहा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि वास्तुकला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे। एक बात और आपको बताऊं, कुछ समय के बाद आपने देखा है कि मुस्लिम भी मोहम्मद अली जिन्ना का साथ नहीं दे रहे थे, तो ये हर समय असहयोग अपना एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी का परिणाम रहा है कि आपने पाकिस्तान अलग इन्होंने मनाया, क्योंकि इन्हें भारत में रहते हुए कोई अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, समझ रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे थे कई नेता थे, ना तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था ना ही राष्ट्रपति, तो इन्होंने सोचा कि एक अलग राज देश बनेगा तो उसमें इनका इनका सम्मान कुछ ज़्यादा ही रहेगा, तो इसी को लेकर इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। और याद रखिए, मुस्लिम भी इनके साथ नहीं जा रहे थे, फिर भी क्या करते, उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें डराया धमकाया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप जानते हैं कि 1920 से 1922 के बीच चलता है, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था।
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद पाल और मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने इस विचार का विरोध भी किया था, याद रखिए। इससे भी आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए, इनके बारे में हम लोग बायोग्राफी यानी कि इनका जीवन काल पूरा कवर किया हुआ है, तो बायोग्राफी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें जाइए और देखिए। सभी राष्ट्रपतियों के बारे में बताया गया है, सभी आपके प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया गया, सभी आपके जो भी राष्ट्र नेता रहे हैं प्राचीन काल से, प्राचीन भारत काल से पूरा आप देखेंगे आधुनिक काल तक, अभी तक सबके बारे में आपका बताया जा रहा है वहाँ क्रम से। तो आपके अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी जो भी रहे हैं, जानिए उनके बारे में, ठीक। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति थी, इसके तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी रहे। और 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी 15 अगस्त के दिन एक मैंने लेक्चर लिया हुआ था, उसमें देखिए आप लोग झंडा के बारे में बहुत कुछ आपको बताया गया है, ठीक है। कृषक आंदोलन बिजोलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? कृषक आंदोलन बिजोलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से। बिजोलिया किसान आंदोलन वर्तमान मेवाड़ के उदयपुर में स्थित है। इस आंदोलन की शुरुआत दौर में सीताराम दास ने नेतृत्व किया था इसका। इस आंदोलन में किसानों ने बेगार करने से इनकार कर दिया और कर देने से भी इनकार कर दिया था, ठीक है। तो ये वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा अगला, भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन था? याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कह सकते हम लोग, कम से कम कई बार क्वेश्चन कई तरह की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र राज्य पहले इसे। अगर आप सुनिए, आपने सुना होगा कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया, जैसे आप लोग सामान्यतः जे बी पी कह देते हैं समिति। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण की विचार को खारिज किया था। फिर आप पोटी श्री रमल्लू के बारे में सुनते हैं, इन्होंने भूख हड़ताल की और इनका निधन हो जाता है। फिर बड़े स्तर पर आंदोलन होने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश, आंध्र राज्य को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया जाता है। और एक बात और याद रखिए इसमें, अगर आपका आंध्र राज्य नहीं होता है तो आप आंध्र प्रदेश पर लगा सकते हैं, लेकिन पहले से आंध्र प्रदेश को हम लोग आंध्र राज्य कहा करते थे, ठीक। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? इथे होलकर। कौन थे? होलकर थे। और जो सहायक गठबंधन है, ये शुरुआत लाल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसकी शुरुआत ये 1798 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर भी रहे हैं, और हैदराबाद सहायक गठबंधन में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। कौन सी? पहली रियासत थी, ठीक है। और अगर पेशवा की बात करें तो ये 1802 में, और सिंधिया की बात करें तो 1804 में, गायकवाड़ की बात करें तो 1805 में, और भोंसले को देखेंगे आप लोग 1806 में, और होलकर को आप देखेंगे 1818 में। इन्होंने सहायक गठबंधन में शामिल हुए सभी, ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है, सिंधिया कब शामिल हुआ, तो इस डेट को भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। क्या? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, सी ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त आंदोलन भी कह देते थे आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसकी शुरुआत अगस्त 1942 में आप लोग देखते हैं, ठीक है। अभी भी आप देखते हैं कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाया जाता है हमारे देश में। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ये ऑप्शन चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये 1931 की कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, ये कराची में हुई थी। उस इस बैठक के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में आपने देखा है कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और आज जानते हैं हम लोग कि हमें अधिकार मिले हुए हैं, बोलने का अधिकार, किसी धर्म को मानने का अधिकार, ठीक है, बैठ के करने का अधिकार, आप सोचिए कोई संगठन बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, तो ये सभी उन्हीं की देन है, ठीक है। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि बड़ी आसानी से मिल चुके हैं, इनके लिए बहुत लोगों का खून बहा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मिला हुआ है। कहते हैं ना कि आसानी से मिली हुई चीज़ की कोई इज्जत नहीं होती है, तो ऐसा ही हाल है आज। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया है? याद रखिए, वर्तमान में भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं जब भी राष्ट्रभाषा का मुद्दा उठता है तो आपकी दक्षिण भारत के राज्य भी इसका विरोध करने लगते हैं, त्रिभाषा सूत्र पर भी विरोध करते हैं। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि एक हिंदी हो गई और एक अंग्रेजी, ये दोनों जरूरी हो गई, और क्षेत्रीय भाषा आप चुन सकते हैं, जैसे आप तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल भाषा चुन सकते हैं, लेकिन वो तमिल राज्य या उस तरह के जो भी राज्य हैं इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी और दूसरी भाषा अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही चुनेंगी, हिंदी को अपनी भाषा नहीं चुनेंगी, ठीक है। तो ये भी विवाद चलता रहता है। तो ये कौन थे? ये थे भूदेव मुखर्जी। भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक भी रहे हैं। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण भी रहा है। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1893 में नागरी पिचरणी सभा की स्थापना भी की हुई थी। अगर आपसे पूछे कि नागरी पिचरणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये थे भूदेव मुखर्जी, इसकी स्थापना 1893 में की थी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो यह मैडम कामा, भीकाजी कामा सामान्य तौर पर बोलते हैं, या मैडम कामा भी बोल देते हैं। भीकाजी कामा की अगर जन्म की बात करें हम लोग, तो 24 सितंबर 1861 में होता है बॉम्बे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के लिए इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है, या फिर माता कहा जाता है। उन्होंने भारत के पहले तिरंगे झंडे के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। इस झंडे में हरा, केसरिया और लाल रंग था। इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और 13 अगस्त 1936 को इनकी मृत्यु हो जाती है, 13 अगस्त 1936 को, ठीक है। अगर इनसे कोई क्वेश्चंस बनता है तो आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच चुके होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका हरिद्वार में। आप जानते हैं कि हरिद्वार हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। क्या है? तीर्थ स्थल भी है। हिंदू महासभा की स्थापना की अगर बात करें हम लोग, तो ये 1915 में बनी, और किसने इसकी स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय ने। यह संगठन आर्य समाज और अन्य संगठनों के साथ कार्य करता था और 1925 में गठित किए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। पहला हिंदू महासभा सम्मेलन 1915 में होता है, हरिद्वार में होता है आपका। कहाँ? हरिद्वार में। क्वेश्चन है हमारे सामने, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। एक कांग्रेस का 52वां वे अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी के जो प्रतिनिधि थे पट्टाभि सीतारमैया, ये हार चुके थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा भी दे दिया था गांधी जी के विरोध के कारण। 1939 में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, इस्तीफा।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया था? भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया था? तो ये था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा वही है जिसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय साहब ने की थी हरिद्वार में। ठीक है, इसका पहला आप एक तरह से कह सकते हैं अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में होती है ढाका में। ढाका में इसकी स्थापना आगा खान द्वितीय की भूमिका महत्वपूर्ण भी रही है। नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक भी रहे। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के लिए भी जाना जाता है इन्हें, अलीगढ़ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी के काल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनपेक्षित और बेहद छोटा था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था SN सेन के द्वारा, SN सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। 1857 के विद्रोह को ग्रीष्मकालीन आंधी की तरह बताया जो अनापेक्षित और छोटी होती है। उन्होंने भारतीय इतिहास विशेषकर मराठा इतिहास के बारे में काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। 1857 के आंदोलन के बारे में लिखने के लिए भारत सरकार ने उन्हें निर्देश भी दिया हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने, कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन सही है। ये अधिनियम आपका आता है 1856 में, 25 जुलाई 1856 को लागू किया जाता है। इसके द्वारा आप देखेंगे कि जो विधवा पुनर्विवाह था इसे कानूनी मान्यता मिल गई थी। इस अधिनियम को आप देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? तो ये था आपका होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, इसी के दौरान इन्हें बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि में भी मिली हुई थी। और अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को स्वराज स्थापित करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में ने भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया? तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, पत्रकार भी रहे, लेखक भी रहे, क्रांतिकारी भी रहे। उन्होंने प्रेम और निर्बल सेवक नामक दो समाचार पत्र भी शुरू किए थे। 1915 में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली निर्वाचित सरकार की शुरुआत भी की गई थी। किसके नेतृत्व में? राजा महेंद्र प्रताप के। ठीक है, याद रखिए, ये भी आपका क्वेश्चंस कई बार बन चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, करजन बेली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने लंदन में की थी। करजन बेली क्या थे? करजन बेली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने लंदन में की थी और करजन बिल्ली क्या थे? तो ये भारत सचिव के सलाहकार थे। बी ऑप्शन सही है। मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन बिल्ली की हत्या की थी। करजन बिल्ली भारत सचिव का कानूनी सलाहकार थे। भारतीयों पर की गई अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए मदनलाल ढींगरा ने उनकी हत्या की थी। ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन है अगला हमारा, सबसे पुरानी बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? जो सबसे पुराना बंगाली दैनिक अखबार था बासुमती, इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये आप जानते होंगे कि वरेंद्र कुमार घोष। सी ऑप्शन सही है।
वारेंद्र कुमार घोष का जन्म होता है लंदन में, कब होता है? 5 जनवरी 1880 में होता है। ये महान क्रांतिकारी औरोबिंदो घोष उनके छोटे भाई थे। स्वदेशी प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जुनगांतर नामक साप्ताहिक बंगाली पत्रिका भी शुरू की थी। अलीपुर बस केस में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, यानी कि मौत की सजा दी गई थी, परंतु बाद में उनकी सजा को कम करके आजीवन कारावास कर दिया गया था। उन्हें अंडमान, जो अंडमान है, सेलुलर जेल में 1909 में भेजा गया था। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, किसके द्वारा दिया गया है बताना है। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा दिया गया है? वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरें, और यह जानने की एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूंगा। ये थे मदन लाल ढींगरा। कौन थे? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जन्म, इनका जन्म होता है अमृतसर में, और पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए थे। वहाँ भी भारतीय क्रांतिकारियों श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में भी आए। उन्होंने भारत सचिव के सलाहकार करजन वेली की हत्या भी की हुई, इन्हीं कारण इन्हें मृत्युदंड भी दिया गया था। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन? प्रसिद्ध जो पुस्तक थी गुलामगिरी, इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के जगह अगर हम लोग जन्म की बात करें तो पुणे में हुआ था, पुणे में, महाराष्ट्र। उन्होंने अपनी पुस्तिका अमेरिका में दास पिता को समर्पित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1920 के निवेश विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? सॉरी, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। इतने तो आप लोग समझदार हैं मुझे लगता है कि तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आप तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस, इसीलिए तो कहता हूँ कि क्वेश्चंस आपको बनाना आना चाहिए, अगर गलत है तो उसे सही करना चाहिए। तो 1920 के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? लाला लाजपत राय की। सी ऑप्शन सही है। 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह आंदोलन दो मुख्य कारणों से शुरू किया गया था, एक खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया, और दूसरा था पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा में सरकार की असफलता। ठीक है, इसी कारण इसे इस बैठक को, विशेष अधिवेशन को लाया गया था। क्वेश्चन है हमारे सामने, 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? एक बात याद रखिए, 100 वर्ष पहले नहीं, इसे क्या रहता है कि इसे भूल जाइए आप लोग, क्योंकि समय के हिसाब से बदलता रहता है, इसे काट दीजिए। गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो आप जानते होंगे कि सैन फ्रांसिस्को। क्या? सैन फ्रांसिस्को। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना आप देखते हैं 1913 में होती, कब? 1913 में। इसे याद रखना आपको कि गदर पार्टी की कब स्थापना होती है, 1913 में। इस पार्टी ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 436 हिल स्ट्रीट से अपना कार्य शुरू किया। इस स्थान के बाद युगांतर आश्रम के नाम से जाने जाने लगा, और 1913 से 1917 के बीच इस स्थान पर क्रांतिकारी सक्रिय भी रहे हैं। क्या रहे? सक्रिय भी रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहु विवाह प्रथा पर आधारित था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहु विवाह प्रथा पर आधारित था? ये थे आपका कुलीन, कुला सर्वासा। ए कुलीन कुला सर्वासा एक क्या था, एक सामाजिक व्यंग्य था। इसमें बहु विवाह की प्रथा पर कटाक्ष किया गया था। बहु प्रथा का मतलब, विवाह का मतलब होता है एक से ज्यादा विवाह करना। ठीक है, पहले आप देखते कि राजा महाराजा दो से चार, कई 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 रानियां रख लिया करते थे,
समझ रहे हैं, आज एक ही नहीं संभाल ली जा रही है लोगों से। उस समय सोचिए कि 5 से 7 रानियां हुआ करती थी, है? कुछ राजा तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए शादी ही करता रहता था, यानी कि विवाह का ही एक तरह से वो ये लोग निकाल कर, मतलब किसी से विवाह का ही सहयोग लेकर करते रहते थे विस्तार, कि यहाँ के राजा से शादी कर ली, वहाँ के राजा से शादी कर ली, रानी से। अगला क्वेश्चन है, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि घुटने के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, इस कथन किसका है? महात्मा गांधी का, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये कथन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। अब क्वेश्चन बन रहा है कि किस आंदोलन में कहा गया था, तो आप जानते होंगे कि ये दांडी मार्च में कहा गया था, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह में कहा गया था। इस यात्रा की शुरुआत आप जानते होंगे कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई और तत्पश्चात दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसे यात्रा की शुरुआत की बात करें तो 12 मार्च 1930 को की गई थी, 12 मार्च 1930 को की गई थी, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? तो ये थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये हमारे सेनानी रहे हैं, ब्रिटिश काल शुरुआती जो भी नेता थे उनमें से एक थे। उन्होंने 1879 में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत भी की। उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी आनंद बोस के साथ मिलकर की थी। तो याद रखिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बत्ती बत्ती गिली गिली ओन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? ये आपका इटली में की गई थी, इटली में आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्र करना और बत्ती गिली ओन आजाद हिंदुस्तान इकाई की स्थापना इटली में जुलाई 1942 में की गई थी, और मोहम्मद इकबाल सेदाई इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? भारत का पहला तेल संशोधन या शोधन कारखाना कौन सा है? यह है डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर आप देखते हैं कि 19वीं शताब्दी की में तेल की खोज की गई। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान है जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में लगाया गया था, कब? 1901 में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा अगला, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट, यानी कि किसने इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया था? महात्मा गांधी जी ने। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के पूना अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया गया, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी। आज भी आप लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, आपका संविधान कुछ प्रावधानों के साथ लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, बिल्कुल गलत है। सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी, सही है। संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी, ये भी सही है। देखिए, सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग।
बहुत ही फंसाने वाले, 3 कथन दे दिए, 4 कथन दे दिए, फिर नीचे बताना है आपको। वनडे एग्जाम में क्या रहता है कि एक लाइन दे दी, उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, आपको 4 बता देना है। तो इसमें आपका 2 और 3 सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही देखेंगे आप। विभाजन से पहले संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था। इसकी पहली बैठक आपने देखा होगा कि 9 दिसंबर 1946 को होती है। विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। इसमें कुल आपके 299 सदस्य थे और 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पर 284 सदस्य मौजूद थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही आपका संविधान कुछ प्रावधानों के साथ लागू भी हो गया था। और पूरी तरह से बता चुका हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जाकर लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों के का साथ देने के लिए राजी करना। ये मार्च 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग चाहती थी। सर टे फोर्ड किप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, परंतु देखा होगा कि आपने ये मिशन असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा। एक बात याद रखिए, माफ करिए, यहाँ एक मैंने गलत बता दिया। किप्स मिशन आपका कब आता है? 1942 में आता है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को साथ जुटाने के लिए के उद्देश्य से 1942 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त हो। क्या है कि फ्लू फ्लू में कभी बोल देता हूँ 1919, आप फिर तो पीछे चले जाएंगे बहुत। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना या नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? तो आप जानते होंगे कि ये थी मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का। मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वयं शासन के लिए की थी। मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में पेश की जाती है। यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार भी बनती है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे आप लोग जानते हैं कि मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा, ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया कि वे सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? ये कहा गया था बटलर आयोग रिपोर्ट में। किस में? बटलर आयोग रिपोर्ट में। ये आपकी 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हारकोर्ट ने की थी। इसका गठन आपने देखा होगा कि 16 दिसंबर 1927 में किया जाता है। कब? 1927 में। इसका मेन उद्देश्य था कि भारतीय देसी रियासतों और सर्वोच्च सत्ता के संबंधों का अध्ययन करना था। इस समिति द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि गवर्नर जनरल की बजाय वायस राय को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? तो ये था माइकल मधुसूदन दत्ता। बी ऑप्शन सही है, माइकल मधुसूदन दत्ता। बी और सी दोनों हैं, क्योंकि आपने देखा है कि रिपीट हो चुका है। ऑप्शन सी भी वही है और बी भी वही है। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि व नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक थे और मेघनाद बोध काव्य की उनकी प्रसिद्ध कृति भी रही है। ठीक है, अगर इस तरह के आप देखिए कि परीक्षा में अगर इस तरह की रिपीट हो जाते हैं तो दोनों आंसर आपके ऑप्शन सही माने जाएंगे। ठीक है, आप जो भी ऑप्शन लगाएंगे सही रहेगा। राष्ट्रगान जनगणमन पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रगान जनगणमन पहली बार कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले आप जानते हैं कि 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृति मिली थी और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी उन्नीस सौ
1950 को याद रखिए इस डेट को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृति मिली थी संविधान सभा द्वारा। इसके रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो ये आपका 10वां टेस्ट खत्म होता है। और एक बात मैं कहूँगा कि आप लोग विस्तार से पहले क्लासों को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये मॉक टेस्ट लगाइए तो आपको बेहतर स्कोर कर पाएंगे और फायदा भी आपको होगा। तो प्लेलिस्ट सूची में जाइए और आप लोग पूरा इतिहास पढ़ाया गया, पूरा आपका कंप्लीट करवाया गया, फिर चाहे लूसेंट हो, फिर चाहे आपका किरण सामान ज्ञान बुक्स हो, या फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में तो आप NCERT भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग 11वें टेस्ट में।